बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान और अभी आप ग्लोरी आर्किटेक्ट के प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। आज जो मैं आपके साथ डिज़ाइन शेयर करने जा रहा हूँ, ये 25 फुट बैक से और 50 फुट लेंथ में ये मेरे पास 5 मरले का डिज़ाइन है और ये मुकम्मल रूल एंड रेगुलेशन में मैंने बनाया है। इसमें 5 फुट बैक पे रियर लॉन छोड़ा गया है और फ्रंट पे एक 5 फुट का लॉन छोड़ा गया है। इसके अंदर जो ग्राउंड फ्लोर पे सेटिंग आ रही है वो कारपोर्ट, ड्राइंग रूम, टीवी लॉन, स्टेयर, किचन, बेडरूम, बाथ और बैक पे एक बहुत बड़ा लॉन। फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम है, एक बैक पे, एक फ्रंट पे टीवी लॉन्च है और 2 टेरेसेस हैं और ममटी है। इसके अलावा इसके जो फ्रंट एलिवेशन है वो 2 डिज़ाइन किए मैंने, जिसमें एक 3D लुक के साथ है और एक मॉडर्न स्टाइल में है। तो ये डिज़ाइन आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आपने कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखना है। इसकी तफसील शुरू करते हैं एक साइड से। मेरे पास सबसे पहले जो चीज़ आ रही है वो है कारपोर्च। कारपोर्च की लेंथ है 16 फुट 9 इंच, वाइड है ये 10 फुट। इसके अंदर बड़ी गाड़ी की कार पार्किंग है। इसके अलावा मेरे पास जो लेफ्ट साइड पे है ये ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम की जो चौड़ाई है वो 13 फुट 6 इंच है, लेंथ में ये 11 फुट है। इसके अलावा 5 फुट डेप्थ में मेरे पास फ्रंट पे लॉन है और इसकी जो चौड़ाई आ रही है वो आ रही है 15 फुट, 15x5 का ये मेरे पास फ्रंट पे लॉन है जो कि रूल एंड रेगुलेशन में मुकम्मल फिट है। इसकी एल शेप में मैंने विंडो डिज़ाइन की है फ्रंट पे और इसके अलावा इसमें जो एंट्री है ड्राइंग रूम की एक बाहर से है और मेन एंट्री हमारे पास डबल डोर है। ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्च के दरमियान में ये पार्टीशन वॉल है जो कि ओपन है। अगर इस पार्टीशन वॉल को आप ख़त्म करते हैं तो ये मेरे पास कंप्लीट एक टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम का हॉल बन जाता है, जिसकी अगर मैं आपको लेंथ बताऊं ये तकरीबन 21 फुट 9 इंच है जो कि बहुत बड़ी स्पेशियस लेंथ है। इसके अलावा मेरे पास जो टीवी लॉन्च की क्लियर स्पेस आ रही है वो चौड़ाई में 20 फुट है और डेप्थ में इसकी जो अपनी है वो 10 फुट जगह है। तो 20 फुट और 10 फुट का ये टीवी लॉन्च है। इसके बाद मेरे पास स्टेयर का एरिया है जो कि एक कंप्लीट स्टेयर्स है, ये 3.5 फुट की चौड़ी है। इसमें मेरे पास यहाँ से जो शुरू में स्टेप्स बन रहे हैं ये अप है और इसके नीचे मैंने एक पाउडर रूम को डिज़ाइन किया है। इसके साथ ही मेरे पास एक बहुत बड़ा किचन आ रहा है। किचन की चौड़ाई 6 फुट सेंटर से है और जो स्टार्ट का एरिया है वो ज़्यादा है, ये 8 फुट है। ये एरिया मेरे पास कैबिनेट के लिए है और बाकी सामने शेल्फ है जिसमें सिंक भी लगा हुआ है और इसमें प्रॉपर स्टोव की जगह है और फ्री काउंटर भी है। इस बैक डोर से एक्सेस दी गई है बैक लॉन में। इस लॉन में मेरे पास एक साइड पे बहुत बड़ा लॉन आ रहा है जो कि ठीक ठाक ग्रीन एरिया है। ये 14 फुट 6 इंच चौड़ा है और 9 फुट 3 इंच का डेप्थ में है। बाकी इसके अलावा मेरे पास ये एरिया जो आएगा ये टफ एरिया आएगा 10 फुट 6 इंच और 5 फुट डेप्थ में। तो ये लॉन्ड्री के तौर पे मेरा ये एरिया यूज होगा। अब इसमें जो ये बैक पे एरिया है ये भी रूल एंड रेगुलेशन में परफेक्ट है। आप किसी भी सोसाइटी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, कोई भी ऐसी सोसाइटी है जिसके अंदर आप ये 25x50 5 मरले का डिज़ाइन बनाते हैं तो ये मुकम्मल फिट आता है। बाकी इस किचन के साथ मेरे पास जो बेडरूम है इसका साइज मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 15 फुट ये बहुत बड़ा बेडरूम का साइज है, ये मास्टर बेड है और इसकी जो डेप्थ है वो 12 फुट है। और इसमें यहाँ से रियर लॉन में मैंने विंडो दी है जो तकरीबन 5 फुट 3 इंच के बराबर वाइड है। और इसके साथ जो एरिया मेरे पास आ रहा है ये आ रहा है वार्डरोब का। इसकी डेप्थ 2 फुट होती है और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 9 फुट बन रही है। तो ये एक बहुत बड़ी वार्डरोब है, इस बड़े से कमरे के लिए बड़ी वार्डरोब बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। इसके साथ जो मेरे पास बाथ आ रहा है वो भी बहुत बड़ा है, तकरीबन उसकी जो डायमेंशन है 9x5 फुट की है। अब इसके अंदर अगर आप एक टब का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इसमें लग जाएगा, लेकिन इसमें शावर है, वाश बेसन है और WC की गुंजाइश है और मजीद इसके अंदर आप इसके अंदर टब की फिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो प्लान की सेटिंग है इसमें मैक्सिमम मेरे पास ये बड़े साइजेस के साथ इसमें गुंजाइश है और ये कोई छोटा प्लान नहीं है कि इसके अंदर आपको मैं ये बताऊं कि इसके अंदर कोई मिनिमम स्पेक्स यूज़ नहीं किए गए, इसके अंदर मैक्सिमम बड़े स्पेक्स
यूज किए गए हैं। तो यहाँ से हम अप की तरफ जाते हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर की तरफ ये रास्ता जाता है, ये एक कंप्लीट परमानेंट स्टेयर है। जब हम ऊपर आएंगे तो मेरे पास जो जगह लैंडिंग की आएगी वो बिल्कुल ये एरिया बनता है, यहाँ पे मेरे पास लैंडिंग की एरिया बनता है। और मजीद जब मैं ऊपर छत पे जाऊंगा तो यहाँ से अप की तरफ, जहाँ पे मैंने अप लिखा हुआ है, यहाँ से स्टेयर अप की तरफ जाएगी जो कि मेरी ममटी से होती हुई टॉप रूफ पे जाएगी। तो इसके बाद जो मेरे पास एरिया आ रहा है वो आ रहा है टीवी लॉन्च का ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि 15 फुट 6 इंच और 10 फुट का एरिया है। और ये मेरे पास थोड़ा सा पैसेज है जो कि फ्रंट टेरेस के लिए दिया गया है। यहाँ पे ये रास्ता फ्रंट टेरेस को आता है, इसमें विंडो का इस्तेमाल किया गया है। ये विंडो आपके टीवी लॉन्च को भी एयर और लाइट का काम देगी और यहाँ से इसकी एक्सेस भी होगी। ये एक्सेस मेरी टेरेस के ऊपर होगी, टेरेस मेरे पास 5 फुट वाइड में है और 13 फुट लेंथ में है। ये टेरेस ऊपर छत है इसके, ये कवर टेरेस है और सेमी कवर्ड है, इसके अंदर यानी कि ओपन भी है और ये कवर्ड भी है। बाकी इसमें मेरे पास फ्रंट में एक बहुत बड़ा बेडरूम आ रहा है, बेडरूम का जो साइज है वो है 13 फुट और डेप्थ में ये 11 फुट है। तो 13x11 का ये मेरे पास बेडरूम है और ड्रेसिंग का एरिया जो है वो 5x5 का है। ये प्रॉपर ड्रेसिंग है जो बड़े घर की सेटिंग होती है। उसके अलावा मेरे पास जो बाथ की सेटिंग है वो है 5x6 की। इसके अंदर एक वॉश बेसन है, WC का एरिया है और शावर का एरिया है। ये ड्रेसिंग जो बड़े घर की बाथरूम की सेटिंग होती है वो इसमें की गई है। बेशक ये 5 मरले का डिज़ाइन है, लेकिन इसके अंदर जो सेटिंग आ रही है बाथ ड्रेसिंग और बेड की, ये मैक्सिमम स्पेक्ट के साथ आ रही है, ये छोटे नहीं है। इसके अलावा बैक पे मेरे पास जो बेडरूम आ रहा है वो भी तकरीबन बहुत बड़ा बेड है, ये मास्टर बेड आप इसको कह सकते हैं। 15 फुट इसकी चौड़ाई है और 12 फुट इसकी डेप्थ है। फिर इसके बाद मेरे पास जो नीचे ये बाथ है इसको मैंने टेरेस में कन्वर्ट किया है। आप इसको एज अ यहाँ से टेरेस और बैक गार्डन व्यू ले सकते हैं। जो मेरे पास ये एरिया है ये बहुत बड़ा एरिया है गार्डन का और ये ऊपर टेरेस है। इसके अलावा इसके साथ दूसरा टेरेस है जो किचन का एरिया है नीचे, उसके ऊपर ये मेरे पास टेरेस और बाथ की सेटिंग मैंने यहाँ पे की है। इसमें 8 फुट 6 इंच का वाइड है और 4 फुट डेप्थ के अंदर है। और बात की जो मेरे इसमें सेटिंग आ रही है वो तकरीबन 9 फुट लेंथ में आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त आला साइज़ है ये और 6 फुट वाइड है। इसके अंदर भी आप टब का अगर इस्तेमाल करना चाहें, उसके अलावा शावर, WC और वॉश बेसन की जगह निकल सकती है, ये मास्टर बात है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे मर्ज की गई है ये कैबिनेट है। अगर इस कैबिनेट को भी देखें तो ये आपको कोई ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं लगेगी। और इस बेडरूम की इंतहाई बहुत ही दिलकश किस्म की सेटिंग की गई है। इसको 2 टेरेस हैं, बैक पे मास्टर बेड है, इसके अंदर 2 सीटों की गुंजाइश है और इसके अलावा भी इसमें काफ़ी स्पेस है। फिर सामने इसके वार्डरोब है, 2 फुट x5 फुट 9 इंच की है, इसके अलावा 6x9 का इसके अंदर बाथ है। तो ये मास्टर बाथ है, इसके साथ टेरेस है। इस टेरेस की एक्सेस यहाँ से विंडो से होगी जो कि स्लाइड विंडो की होगी। इस विंडो को स्लाइड करके आप इस टेरेस पे आ जा सकते हैं और इसी तरह दूसरे टेरेस को भी सेम ही टेक्निक के साथ करेंगे। यहाँ पे कोई डोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस जगह पे भी हमारी स्लाइड विंडो का इस्तेमाल होगा। फिर इसके अलावा हम चलते हैं ममटी पे। ममटी मेरे पास एज अ लाइक अ ममटी स्टोर आप इसको यूज कर सकते हैं। इस पे 11 फुट x9 फुट की जगह है। अब आते हैं फ्रंट एलिवेशन की तरफ। फ्रंट एलिवेशन का जो पहले वाला पार्ट है ये 3D लुक के साथ यूज किया गया है। ये सामने मेरे पास टाइल्स का इस्तेमाल मैंने किया है, ये वुडन टाइल्स, सिरेमिक टाइल, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये सारे का सारा स्ट्रक्चर कंक्रीट के अंदर है। इसकी जो लुक है ये अल्ट्रा मॉडर्न है, ये 3D के अंदर इसका डिजाइन किया गया है, 3D लुक दी गई है। ये कंक्रीट का डिजाइन है, बाकी ये ग्लास की रेलिंग है और ये इसकी बाउंड्री वॉल और गेट की डिजाइनिंग आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ही पुरकशिश और खूबसूरत अंदाज में की गई है। इसके अलावा जो इसका मैंने दूसरा डिजाइन किया है ये भी मॉडर्न स्टाइल में है, ये तकरीबन बॉक्स के अंदर ये सारा का सारा डिजाइन किया है और इसके अंदर भी टाइल का इस्तेमाल किया गया है। ये आपको फेस टाइल इजीली मार्केट में मिल सकती है। अगर आप ये मेरा डिजाइन बाय करते हैं तो मैं आपको 50% डिस्काउंट पे ये अपना डिजाइन सेल करूंगा। इसकी कंप्लीट डिटेल दूंगा, आर्किटेक्ट की ड्राइंग्स दूंगा, स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स दूंगा, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स दूंगा, प्लम्बिंग की ड्राइंग्स दूंगा।
अगर आप ये डिजाइन बाय करना चाहते हैं, अगर इसके अलावा भी आप कोई और डिजाइन देखते हैं मेरे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक्स दे दिए हैं, उसके ऊपर अगर आप जाके देखते हैं तो 25x45 और 25x50 के मेरे डिजाइन और भी एक्सप्लेन है। अगर आप ये डिजाइन बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया, आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये डिजाइन मैं आपको 50% डिस्काउंट पर दूंगा। ये डिजाइन मेरे पास ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, ये एक इस्लामाबाद का डिजाइन है, आप इसको पूरे पाकिस्तान में ये डिजाइन को बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।